हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर 2020 का जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके हिंदी का सेकंड पेपर के टॉप क्वेश्चंस देने वाला हूं। इससे पहले हमने बीए के फर्स्ट पेपर का भी ऑलरेडी क्वेश्चन दे दिया है और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के भी तीनों पेपर्स के टॉप क्वेश्चन मिल चुके हैं आपको। तो अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वैल्यूएबल वीडियोज मिलने वाली है, तो आप जाकर के विजिट कीजिए। आपको लगता है कि बेहतर है तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आपको पता है, आप खुद आपको करना है या नहीं करना है वो तो आप खुद समझ जाओगे। पहले आप जाकर के विजिट जरूर करो, क्योंकि आप देखोगे तो फिर आपको समझ आएगा। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी के सेकंड पेपर के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका आता है आपका कि काव्य आखिर है क्या। इसके प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए कि आखिर काव्य क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से भेद हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2007, 2008, 2009, 2012, 2011, 2017, 2018 में लगातार ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का कि अलंकार के स्वरूप का विवेचन करते हुए काव्य में उसके महत्व को रेखांकित कीजिए, यानी कि अलंकार के स्वरूप को बताइए कि आखिर अलंकार है क्या और काव्य में उसका क्या महत्व आता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे 2007, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 रिपीटेड ईयर आप देख सकते हैं कितने सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है आपका कि रस की परिभाषा देते हुए रस के अवयवों का सौ उदाहरण विवेचना कीजिए कि आखिर रस क्या है और रस के कौन कौन से पर्टिकुलर हैं, उनके पार्ट्स कौन कौन से, अवयव कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2007, 2011, 2013, 2018, 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर कह रहा है कि अनुकृत सिद्धांत का सविस्तार विवेचना कीजिए कि अनुकृत सिद्धांत आखिर है क्या। ये क्वेश्चन आपसे 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छंदतावाद से क्या तात्पर्य है, वह इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि आखिर स्वच्छंदतावाद है क्या। क्वेश्चन आपसे 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018 में रिपीटेड ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट एंड फिफ्थ सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिथक किसे कहते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए कि आखिर ये मिथक है क्या। क्वेश्चन आपसे 2008, 2010, 2012, 2015, 2018, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फैंटेसी को परिभाषित करते हुए कविता में इसके महत्व को प्रतिपादित कीजिए कि फैंटेसी का कविता में क्या महत्व है। क्वेश्चन भी आपके लिए देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, 2017, 18, 19 में लगातार ईयर्स में पूछा गया, 20 में भी आ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट्थ नंबर की आलोचना से आप क्या समझते हैं और एक श्रेष्ठ आलोचक के कौन से गुण होते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ आलोचक है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। क्वेश्चन 2007, 2014, 2015, 2017, 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यथार्थवाद किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि यथार्थवाद आखिर है क्या। क्वेश्चन आपसे 2010, 11, 16, 17, 18, 19 लगातार ईयर्स में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीयवाद के स्वरूप और शास्त्रीयवाद के विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, 2016, 17, 18 में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड ईयर्स में आपसे पूछा जाता है। तो आपको हमने पिछले भी वीडियोस दिया हुआ था और आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से मिले हुए हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका पेपर आने वाला है उस पेपर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से मिलते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आपको और भी बेटर फैसिलिटीज, बेटर सर्विसेज दे पाएँ। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पहली बार आए हो तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट करना, ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।